और बहनों, हमारी सरकार ने जो कदम उठाए, हमारी राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए, और आज देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस प्रकार से किसानों की भलाई के लिए काम हो रहे हैं, वो पूरी तरह किसानों को समर्पित। अगर मैं वो सारे कदम गिनाने जाऊं तो शायद समय बहुत कम पड़ जाए, लेकिन मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिए ताकि आप हमारी सरकार की नीयत को परख सकें, हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देख सकें, हमारे नेक इरादों को समझ सकें। और इसी आधार पर मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं। मैं आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूं। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है, बिना सिर पर बोला जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही कर सकते थे। आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। इससे किसान को भी आसानी होती है, उन्हें भी पहले पता चल जाता है कि इस फसल पर इतनी एमएसपी मिलने वाली है। वो कुछ बदलाव करना चाहता है तो उसे सुविधा होती है। साथियों, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा एमएसपी बंद हो जाए? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है।
पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 की। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4,343 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6,000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4,500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7,200 रुपये 7,200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता दे देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 4.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। अब सोचिए कहां 4.25 लाख और कहां 56 लाख। यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुंचा है। पिछली सरकार के 5 साल में किसानों को धान और गेहूं की एमएसपी पर खरीदने के बदले में 3,74,000 करोड़ रुपये मिले। हमारी सरकार ने इतने ही साल में गेहूं और धान की खरीद कर रहे किसानों को 8 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दी।